हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, बहुत सी महिलाएं इसके बारे में जानने की इच्छा रखती हैं, जिज्ञासा रखती हैं कि पीरियड में से पहले हम कैसे जाने कि हम गर्भवती हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्रेगनेंसी के अर्ली डेज के सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। सबसे पहला लक्षण फ्रेंड्स जो दिखाई देता है वो महिला के यूरिन में होता है, जैसे कि महिलाओं का यूरिन डार्क होने लगता है बिकॉज ऑफ कि आपके पेशाब को अच्छे तरीके से किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है और यूरिन का कलर डार्क होने लगता है। बार बार आपको सेंसेशन होती है कि आपको पेशाब आने वाला है, आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि इस दौरान आपको काफी गर्मी महसूस होती है, खूब सारा पानी पीने का मन करता है, आपका बार बार मुंह सूखता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपको हल्का सा फीवरी फील हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग में आपको उबकाई आ सकती है, हार्ट बर्न्स की समस्या आपको रहती है, हेडेक महिलाओं को रहता है, और जैसे ही आप उठती है या कोई काम करने की कोशिश करती है आपको थकान या चक्कर जैसा महसूस होता है। ये होता है आपके गर्भ में पलने वाले शिशु के कारण, क्योंकि वो शिशु अब आपके जरिए अंदर पनप रहा है, पल रहा है, तो आपकी बॉडी से वो एनर्जी कंज्यूम करता है, ब्लड ऑक्सीजन सब कुछ आपकी बॉडी से बच्चे तक जाता है और आपको इस दौरान थकान चक्कर जैसा महसूस होता है जो कि प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स में आता है। आपके स्तनों में बदलाव आता है, आपके स्तन अब आपको टाइट नजर आ सकते हैं, आपको अपने स्तनों में यानी कि ब्रेस्ट में पेन महसूस होता है, निप्पल्स में दर्द होता है। कई महिलाओं में अर्ली डेज में पानी का रिसाव होता है, उनके स्तनों में से नीली रंग की नसें आपको दिखाई देती हैं, पेट के निचले हिस्से में जहां यूट्रस होता है नाभि के आसपास आपको दर्द महसूस होता है जो कि बताता है कि बच्चा अंदर चिपक गया है, क्योंकि जब बच्चा चिपकता है तो हल्का सा आपके एंडोमेट्रियम लाइन को खुरदता है जिस समय महिलाओं को हल्का सा क्रैम्प महसूस होता है। अर्ली डेज में व्हाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ना, हल्की क्रीमी महसूस होना और इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कोई चिपचिपाहट नहीं होती है। कई बार ये डिस्चार्ज महिलाओं को पिंक कलर का या ब्राउन कलर का नजर आ सकता है जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाता है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो कंग्रेचुलेशन, आपका गर्भधारण हो चुका है। महिलाओं में कई बार डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने लगती है बिकॉज इस टाइम में बढ़ते हुए हॉर्मोन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं और आपको खाना पचाने में थोड़ी समस्या आती है, ब्लोटिंग की, गैस की समस्या आपको रहती है, आपको हार्ट स्टूल हो सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी का एक लक्षण माना जा सकता है। इस दौरान अगर आपके स्किन में एक अलग तरह का चमक आ गया है, ग्लो आ गया है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का ही सिम्टम होता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन 40% बढ़ गया है जो कि आपकी स्किन को भी काफी ज्यादा शाइनी इस टाइम में कर देता है। तो फ्रेंड्स, इनमें से अगर कुछ लक्षण भी आपको नजर आ रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपका गर्भधारण इस महीने हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम कल मिलेंगे सेम टाइम में एक और नई वीडियो में। नमस्कार।